अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियात की मुअल्लिमा हूँ, मेरा ताल्लुक PMS बॉयज़ 5 से है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने कल दावत तबलीग के बारे में पढ़ा था और उसका चैप्टर हमने एक्सप्लेन करके दिया था मैंने आपको, तो अब आते हैं हम अपने मश्की सवालात की तरफ, जिसमें सबसे पहले हैं दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। ठीक है बच्चे, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। इसमें पहला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। अलिफ है पहली वही के बाद, बे है दूसरी वही के बाद, जीम है तीसरी वही के बाद, दाल है चौथी वही के बाद। तो इसमें आता है दूसरी वही के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया दूसरी वही के बाद। ठीक है बच्चे, अब आते हैं बे की तरफ। शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का काम किया। अलिफ है राजदारी के साथ, बे है ऐलानिया, जीम है रात में, दाल है दिन में। तो इसमें आता है अलिफ राजदारी के साथ। शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का काम राजदारी के साथ किया। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। नबी करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म किस सूरत में दिया गया है। ठीक है, करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म किस सूरत में दिया गया है। इसमें अलिफ है सूरह बकरा, बे में है सूरह अल इमरान, जीम में है सूरह शोरा, दाल में है सूरह मुदस्सिर। तो इसमें आता है जीम वाला सूरह शोरा। करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म सूरत शुरा में दिया गया है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम अपनी दाल वाली ऑप्शन की तरफ, चौथे ऑप्शन की तरफ। खुफिया तबलीग का सिलसिला जारी रहा। अलिफ में है तकरीबन 2 साल तक, बे में है तकरीबन 3 साल तक, जीम में है तकरीबन 4 साल तक, दाल में है तकरीबन 5 साल तक। तो इसमें आता है बे वाला तकरीबन 3 साल तक। खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। ये थे हमारे 4 ऑप्शन वाले। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम अपने खाली जगह की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के लोगों को खाने पर बुलाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान के लोगों को खाने पर बुलाया। ठीक है, अब आते हैं बे पर। दूसरे खाली जगह पर में है, कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 1.5 साल थी। कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 10 साल थी। ठीक है बच्चे, अब अगले खाली जगह पर पे आते हैं। जी में खाली जगह पर है, दावत तबलीग के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा डैश बर्दाश्त करनी पड़ी। दावत तबलीग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी थी। इसमें आती है तकालीफ, पहले खाली जगह पर में आता है ख़ानदान, दूसरे में आता है 10 और तीसरे में आता है तकालीफ। ठीक है बच्चे, ये था हमारा MCQs पेपर चैप्टर MCQs का काम था, मारूजी सवालात। ठीक है, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान और खाली जगह पर। अब आते हैं हम अपने मुख्तसर सवालात की तरफ। मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं, ये है हमारे मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में हैं, सबसे पहला सवाल है, दावत तबलीग से क्या मुराद है। पहला सवाल है, दावत तबलीग से क्या मुराद है। इसका जवाब है हमारे पास, दावत तबलीग से मुराद है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अल्लाह का हुक्म पहुंचाना। दावत तबलीग से मुराद है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। ठीक है बच्चे, ये आपका सवाल नंबर 1 था। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों के नाम लिखिए। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों के नाम कौन से हैं। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों के नाम ये हैं। नंबर 1 है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत जैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों के नाम कौन से ये हैं। ये 4 लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। इसमें सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो,
हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम अपने सवाल नंबर चार की तरफ, सॉरी तीन की तरफ। सवाल नंबर तीन है, हज़रत अबू तालिब ने किस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान किया। सवाल नंबर तीन क्या है, हज़रत अबू तालिब ने किस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान किया। जवाब है इसका, जब कुफार ने देखा कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है तो सब ने मिलकर, कौन सब ने मिलकर, कुफार, सारे कुफार मिलकर किसके पास आए, हज़रत अबू तालिब के पास आए। हज़रत अबू तालिब को आप सल्लम को इस्लाम फैलाने से रोकने को कहा। कुफार सारे मिलकर हज़रत अबू तालिब के पास आए और आप उनसे कहा कि आप सल्लम को इस्लाम फैलाने से रोके। तो जब अबू तालिब जो है, हज़रत अबू तालिब आप सल्लम के पास आए तो आप सल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम अगर एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चाँद रख दे तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। तो आप सल्लम ने जवाब में अबू तालिब को क्या कहा कि मेरे एक हाथ में अगर वो चाँद और दूसरे हाथ में सूरज भी रख दे तभी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। इस मौके पर ये जो अलकलमात आप सल्लम ने फरमाए हैं, इस मौके पर जब आप अबू तालिब ने ये कलमात सुने तो आप अबू तालिब ने जो है फरमाया, हज़रत अबू तालिब ने कहा मैं आप सल्लम का साथ हमेशा दूंगा या मैं आप सल्लम का की हिमायत का ऐलान करता हूँ। समझ आ गई बच्चे, अब आते हैं हम अपने सवाल नंबर चार की तरफ। सवाल नंबर चार है हमारे पास, दावत तबलीग के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए हुस्ना से हमें क्या सबक मिलता है। जवाब है इसका, दावत तबलीग के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए हुस्ना से हमें ये सबक मिलता है कि दीन के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात पर सब्र करें। उनके ज़िंदगी से, आप सल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, यही सबक मिलता है कि हमें जिस तरह की भी मुश्किलात हो हम उन पर सब्र करें और डट कर उनका मुकाबला करें। तो आप सल्लम की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि दीन के रास्ते में जो भी मुश्किलात आए तो उन पर सब्र करें। अच्छा, तो बच्चों ये आपके जो थे चार मुख्तसर सवाल आते, सवाल नंबर एक, सवाल नंबर दो, सवाल नंबर तीन और ये सवाल नंबर चार। तो आपने इसको अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से इसको लिखना है। मैंने आपको मारूजी सवालात भी इस चैप्टर में करवा दिए हैं और मुख्तसर सवालात भी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।